नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल पर शिवसेना भाजपा आमने सामने। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांग का हल निकालना चाहिए, न कि उन पर कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए। राज्य भर के सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना आमने सामने आ गई है। हमने इस बारे में शिवसेना की विधायक और प्रवक्ता नीलम गोरे से फोन लाइन पर बात की। और खबरदार डिजिटल मीडिया से बोल रहा हूँ मैं। हमें चाहिए कि आज उद्धव साहब ने कहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान ढूंढो, न कि उन पर कार्रवाई के बारे में सोचो। जी, तो इस बारे में शिवसेना की क्या भूमिका है, ये जानना चाह रहे हैं हम आपसे। उद्धव साहब ने स्टेटमेंट जो दिया है तो वही उनकी भूमिका है ना। हाँ हाँ, तो देखिए आप चल रहे हैं डायरेक्शन में दादर के, समझो वर्ली से जी। तो मैं आपको पूछूं कि आपकी डायरेक्शन क्या है आगे की, ऐसा हो गया ना ये? बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट मिला ना कॉपी। हाँ, लेकिन आपको ऐसा आदेश आया है क्या आपने पार्टी के जो है उससे? आदेश क्या कि मतलब इस तरह की भूमिका आप अपनाइए? हाँ, तो स्टेटमेंट तो उनका आया है ना, लेकिन देखो मेरे जी, उनको पार्टी की भूमिका पहले ही पता रहती है क्या है। जी, हम बाकी में ही है ना, बाहर में ही है ना। हाँ, तो अंदर रहता है उस तरीके। तो मैम, कहा जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी इस मामले में आमने सामने आ गई है, क्या कहना चाहिए? अभी उसमें आपका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए ना उद्धव साहब का, अभी वो अनफॉर्चुनेटली आपको पूरा समझा नहीं होगा शायद, मराठी में है, इसके लिए हिंदी सामना में नहीं तो फोन के लिए हिंदी कॉपी मिल जाएगी, तो वो जो है वो स्पष्ट रहेगा ना। हाँ, अच्छा अच्छा, तो बीजेपी की भूमिका तो है जो कार्रवाई करना चाह रही है। अभी उन्होंने भी मेस्मा लगाया नहीं ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अभी उद्धव साहब जब बोलेंगे, बोला है कि कार्रवाई मत कीजिए, तो शायद वो फिर भी अनाउंस करेंगे कि नहीं, वो जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक कोई नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं है ना। दूसरी तरफ इस मामले में भाजपा का रुख अभी तक तय नहीं दिख रहा है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने कहा कि दोनों पार्टी अलग अलग है, इसलिए दोनों के विचार अलग हो सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उस बारे में बयान दिया है कि सरकार को उनकी समस्या का हल तलाशना चाहिए, न कि उन पर कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा इस बारे में? देखिए, बीजेपी की सरकार में शिवसेना पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है जी। और शिवसेना ने जो कहा है, बीजेपी पहले ही हल तलाश रही है जी। और जो भी मुद्दे हैं जो लोकहित के हैं जी, तो बीजेपी उसमें अग्रसर है और बीजेपी जो भी इश्यूज है उसका हल तलाशने की कोशिश कर रही है और कर रही है। लेकिन कुछ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, आंदोलनकारी जो हैं कर्मचारी हैं 3 दिन के हड़ताल पे, कल उनका अंतिम दिन है, तो इस बारे में क्या स्टैंड बीजेपी का, क्या सरकार का या बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? देखिए, अभी तक तो कुछ कार्रवाई करने की कुछ बात आई नहीं है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे दूध है, पानी है और ये सब वेजिटेबल्स है, सब्जी है, ये सबको तो रहना चाहिए और इसके लिए पहले से कानून बनी है, ये बीजेपी के वजह से नहीं बनी है, पहले से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो बनी है। हाँ, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको जो लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में चाहिए है जी, तो वो लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए सर। लेकिन एक बात मीडिया में चर्चा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों का सातवां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए, उस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना दोनों आमने सामने आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है और दोनों का अपना अपना काम करने का एक स्टाइल है जी। शिवसेना का स्टाइल हम 4 साल से देख ही रहे हैं जी। लेकिन फिर भी वो हमारे सरकार की पार्टनर है जी।
इसके पहले कांग्रेस एनसीपी में भी खींचतान होती थी जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भी सरकार चलाया, तो बीजेपी शिवसेना भी नेचुरल एलाइज है, इसके लिए सरकार तो चलेगी पर काम भी होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। मुंबई से किरण हेगड़े, खबरदार, देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।